ना ना कोई बात नहीं, करांगे कोशिश। एक मिनट एक मिनट, पत्थर पर पाटे का। आपने चुगरदग अगर सीन की बात करूंगा दिखाऊंगा तो ये देख लो टोटली गांव आपने दिखण लग रहा, टोटली रोड तक। ए यू आई फे रोड है उस साइड आ गया। ये ट्रक जान लग रहा भाई हाईवे रोड पर। ये देख लो पूरा का पूरा गांव पूरा तो दिखण लग रहा है। और कितनी दूर का एरिया दिखा है, धूप है और कुछ धुंध सी भी है। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। फिलहाल भाई गांव गंगन खेड़ी तहसील हांसी जिला हिसार मावा पहुँचे हाँ। और आज की वीडियो अगर मैं बात करूं तो अपने चैनल पर आज तक की यानी पिछले 5 साल की बात करांगे तो सबसे अलग तरीके की वीडियो रहोगी। आज एक इसी चीज़ अपना दिखावांगे नुगागर अनिवायो दिल थैम कर और कलजा थैम कर बढ़िया तरीके से देखियो और सुनियो। इतनी पुरानी चीज़ अपना दिखावांगे। हरियाणा का सबसे बड़ा दरवाज़ा 4 मंजिली दरवाज़ा और सबसे पुराना दरवाज़ा जो प्रमाण है, हालांकि उर्दू की लिखाई है उसमें तारीख भी लिख रखी है तो भाई उर्दू पढ़नी है कोने को, लेकिन न्यू कह अगर भाई जो गाम राम के बुजुर्ग बतावे हैं उसका बताने के अनुसार यू दरवाज़ा करीब 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना दरवाज़ा का प्रमाण जो बुजुर्गों द्वारा दिया गया है। और आगे एक बार आगे तो दिखा भी दें, इसी सी चीज़ आपने दिखावांगे। शायद आपने देखा भी नहीं होगा इस तरीके का, हमें पहला एंड फिर के देखा है, हमने तो देखा नहीं और शायद आपने भी नहीं देखा होगा। चुगरदा तो दिखा दिए। पुराने पिल्लर की बात करांगे और पुराने जो ये होया कर दे, देखो चौंतरी होया कर दी, उरे तो शुरू हो जो पत्थरा पकड़े है। और करीब जो बताया गया है कि 15 साल में यू बनकर तैयार होया था। इसे काम का था क्या वो लड़का, मजदूरी करी थी यानी बतावा सारी जानकारी ये भाई दे होंगे। मतलब 15 साल करीब इन्हें बनाना में लगे थे। एक बार ये दिखा दे, इसके पिल्लर थंब दिखा दे। और इसके अलावा अगर आप बात करें फिल्मों में जो आप देखा करो हो, जो किले हुए हैं किला टाइप में, अंदर आइए सुनो एक बार वो भी दिखाओगे। फिर उरा है कन्नर ये दिखाइए जो किले हो या करें नहीं, किले में आपने देखा होगा बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाओ है। ये जो चूड़ा अपने दिखने लायक ऊपर देख लो भाई, करीब जमा डूबे तो डूबे 13-14 फुट पर वह चूड़ है और तड़त ही कितना होगा। एक पत्थर पड़े बड़े मंदिर का आगे, वो भी अपने दिखावांगे। कम से कम भी 20 फुट मतलब ऊंचे कुआड़ यानी दरवाजे इसके जरूर रहे होंगे। 3-4 फुट या एड को करीब खाई खोदी थी थी पाइप दबे तो उसका नीचे 2.5 फुट का पत्थर पाया था जो मंदिर का आगे पड़े 3 फुट उड़े, तो करीब 20 फुट के ऊंचे मतलब कुआड़ इसमें लग गए होंगे। और जो बतावा कि बस और ट्रक इसके नीचे को आगे जाया कर दे और इब टेम गले ये चीज़ बदली तो मतलब वह चीज़ चेंज होगी। शाम है, ये भाई दुकानदार हैं, अपने साथ इनका फ़ोन आया था तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, पूरा परिचय दे दो आप एक बार। भाई साहब मैं श्याम सुंदर एक्स पंच गांव गंगन खेड़ी से और एक छोटा सा हरियाणवी भजन कलाकार हूँ। अच्छा। तो पुरानी चीज देखण का और बताने का बहुत शौक है। शौक है हाँ। इतनी पुरानी विरासत मतलब गांव में ले रहे हो तो नुगागर बड़ा फख्र होना चाहिए कि भाई हरियाणा का सबसे ऊंचा दरवाजा 4 मंजिली। आपकी भी 35-40 साल उम्र हो गई होगी। मैं 38 साल का हो गया भाई। 38 साल के हो गए आप तो 4 मंजिली आपने सुना है कहीं, हमने तो सुना है। देखो 30 साल के हम भी भाई साहब, हमने 2016 में हमारी पंचायत बनी थी तो उस टाइम हमने इस डिमांड रखी थी शुरू में ही कि भाई गांव की ऐतिहासिक चीज़ है दरवाज़ा तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करके ना इसको संभाला जावे। तो इस पे हमने इसकी डिमांड रखी थी। सांसद विजेंद्र जी गांव में आए थे तो उन्होंने उनसे 10 लाख रुपये डिमांड करी थी। 10 लाख रुपए डिमांड करी थी तो उन्होंने फिर कुछ अपने फंड से उन्होंने भेजा या ना भेजा हमने तो पता नहीं, मतलब लागे को नहीं, लागे नहीं हुए। मतलब 4 मंजिली जो मेरा कहने का मतलब है 4 मंजिली जो दरवाजा है हरियाणा सबसे ऊंचा भी होगा। फिर भाई साहब पैसे इस पर लागे या लागे तो है नहीं, फीते इस पर 6 बार जरूर लाग लिए सरकारी फीते। जो 4th मंजिली इसकी है जब नुकार कई बार बारिश हो जाए साफ मौसम हो जाए 4th मंजिल पर खड़े होगी कि दिख सके इस पर। भाई साहब खान की जो तो शाम की पहाड़ी है जिस तरह सिसाई हरियाणा का बड़ा गांव है वो भी दिखाई दे है, कुंभा है, जमावड़ी है, शेखपुरा है, नीन ये डाणी है,
कई गांव दिखाई दूर तक के एरिया, दूर तक का मतलब, तो शाम की पहाड़ी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पड़ा हमारे गांव से, 30-35 किलोमीटर, तो वो भी बारिश होने के बाद जब मौसम साफ हुआ ना तो दिखाई दे साफ बिल्कुल क्लियर। उनसे की आप बात कर ली, बड़े की अगर आप बात करें क्योंकि बहुत चौड़ाई है इसकी उस साइड से लेकर उस साइड तक आगे तक पीछे, तो बड़ा व्यू होगा भाई साहब। हरियाणा का सबसे बड़ा दरवाजा है और इसकी जो नीम है ना वो लगभग 5 से 8 फुट के बीच चौड़ी रखी है इसकी नीम, और जब सारा छोटे ईटा बना रखा है, चूना में इसकी लिपाई हो रही है, चूना में ही बन रहा सारा, आपको कहीं भी इसके ऊपर सीमेंट में इसकी चिनाई नहीं मिलेगी। देखो मरम्मत तो हुई है इसकी 1990 में, अच्छा, और बाद में भी हमारे से पहले जो पंचायत थी उसने इसकी मरम्मत करवाई थी, तो थोड़ी बहुत सीमेंट अब लगी है इस पर, बाकी सारा यू छोटी ईटा मर चूना में ही है। और कुछ चीज़ें इसी है चूड़ आपने दिखाई दी, फिर अगर आप बात करेंगे पिलरों पर जो यू खड़े हैं और पत्थर ये दिखाई दे, कुआड़ हैं, दरवाजे हैं, वो भी गेल के एक बार अंदर आराम आराम तो उ ही आ गए, ये दिखाई दे घुमा गए भीतर के इसके पोर्शन देखो आप, ये भीतर के पोर्शन देखो भाई, दरवाजे हैं और ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल कलर जो आपने दिखने लग रहा पिलर का, और छोटी ईंट अगर यू आ तो थोड़ा डैमेज हो रहा है, एक बार जूम करके यू दिखाई दिए भाई, चूना में छोटी ईंट दिखाई उ राजे सोनू मेरे तो राजे छोटी ईंट चुनना में अपना न्यू की न्यू दिख जाएंगी, ये है छोटी ईंट और चुनना। और रही बात मतलब डिजाइन की अगर आप बात करें, एक तो पत्थर लग रहा हर 3 पैड़ी पर मोड़ मिलेगा, दो दो रास्ते हैं इसका, अंदर कमरे हैं, एक बार अंदर चल के दिखाते चल भी तरह एक बार, ये देखो भाई एक बार अंदर के दिखा दे, ये देख लो ये जुगर गल्ला के कुआड़ हैं, सारे ताला लग रहा गल्ला के पुराने कुआड़, ये देख लो आप बड़े मजबूती, और आज भी चुखाट न्यू की नहीं हो कोई डिमक नहीं लग रही। और सबसे बड़ी चीज़ जो डिजाइन वाले सतीर उस साइड है सोनू परली साइड तक बढ़िया दिखेंगे उस साइड दे एक बार, ये देखो भाई सतीर उड़ान उड़ान दे रहे, एक बार ये देख लो कितने मतलब डिजाइन देखो आप इन सतीर के लकड़ी के हैं, और यू जो पिल्लर खड़े है थोड़ा नीचे करिए, ये पिलर है पत्थर का, और ये देखो भाई सतीरा के डिजाइन देख लो आप कितने जबरदस्त मतलब लुक देखो आप, और ये देखो नजदीक से एक बार जो पुरानी टोडी होया कर दी जिस पर दीवादर है कर दे, ये यावा टोडी है दीवादर है तर आली देख लो, खूंटी देख लो, सारी पुरानी चीज आपने देखने में मिलेंगी, और 4 मंजिली ये देखो भाई इस तरीके के 15 साल जो बनना में लग गए, तो ये देखो पत्थर के डिजाइन देख लो आप आज भी न्यू के न्यू सुरक्षित है, ये देखो और कितने मोटे पत्थर सारा पत्थर, ये देखो आड़े दीवार में यू भी पत्थर है, नीचे देखोगे उरो को भी पत्थर, नीचे देखोगे आड़ो को भी दूर की दूर लाल पत्थर है, और ओडे खड़े के पर ये जाली दिखाई दे इसकी जो चुकर तो घुमाए रखे हैं, हालांकि ऊपर वाली जो छत इन भाइयों ने लेंटर की छत लगवा रखी है डैमेज हो गई थी, और ये है फर्स्ट फ्लोर, और थोड़ा अच्छा ये आगे गया आगे भी इसमें कमरे हैं, और इब ऊपर का नज़ारा अपन दिखावांगे सेकंड फ्लोर का, और ये देख ये दरवाजे के लगे हैं अभी नहीं ये बाद में, अच्छा ये लोग के बाद में लगवाए हैं, चलो 3 पैड़ी मोड 3 पैड़ी है भाई, एक बार पीछे तो यही सुनो तीसरी पे मैं खड़ा हूँ, तीसरी पे मैं खड़ा हूँ मोड़ आ गया आज अगे, और आज आज अंदर आ जाए 1 2 3 3 चाल का फिर मोड़ आ गया, और तो दिखाई दिए दिखा नहीं 3 चाल का फिर मोड़ आ गया, 1 मिनट संगल बंद है के उस साइड तो बंद है यार कदे अंदर ही तो ना उस साइड तो भीतर तो परली साइड तो बंद है भाई, अच्छा और भाई 1 2 3 3 पैड़ी पे फिर मोड़ आ गया, 1 2 3 3 पैड़ी पे फिर मोड़ आ गया, और ये देख लो ये गल्ला के जो झक दरवाजे कितने आ जा भाई, किस चीज बारीक के दिखाइए साइड आ जा एक बार, और ये देख लो भाई ये दिखा एक बार चुखाट है दरवाजे हैं गिल्ले के हैं सारे, और फिर ये पिलर आ गए, इन पिलर का डिजाइन दिखा थोड़ा पीछे होकर ना कितना बढ़िया था इस पर डिजाइन करके, और कितनी मजबूती यानी सारे के सारे पिलर पकड़े, फिर एक बड़ा पिलर आ गया और ऊपर फिर वो सतीर आ गए, ये देख लो कितने मजबूत सतीर हैं, गाटर पत्थर की है ये गाँव वाले लगवाई छत, लेकिन ये सतीर गेलियाँ के आप डिजाइन देख सको कितना जबरदस्त डिजाइन है, ये देख लो भाई सारा पिलर पकड़ा है, और अगर इसका सार की आप बात करें दीवारों की, ये एक बार उन्होंने सुनो ये दिखा दे भाई, करीब 1 फुट का यू हिस्सा है और 1-9 इंच इंट न्यू की ओर है, यानी कम से कम भी 1.5-2 फुट की तो चौड़ी दीवार है, और ये देख लो बैरिया दिखा दे भाई स्टाइलिश सी, एक मिनट ये देख पढ़ नहीं जावा, ये उरे तो ये छोटी छोटी ये बना रखी,
और इसकी भी यहाँ थम्ब भी है बना रखे हैं, यानी दूसरी मंजिल पर फिलहाल आप हाँ। और ये फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये दरवाजे चुखाट और ये आली ही दिखा दे भाई कितनी ढूंगी है, मतलब कम से कम भी 3 फुट की गहरी तो या हर फिर पीछे फिर दीवार रहेगी, पौने 4-4 फुट के मतलब मोड़ा पर दीवार बना रखे हैं। ये आली देख लो, ये पिलर देख लो, और ये देखो भाई मतलब ये जो डिजाइन है सारा चुनना में, और वो पेंटिंग कड़े हैं भाई सब नीचे दिख ऊपरे हैं। हाँ ये पेंटिंग आपने दिखावांगे, यानी ये पेंटिंग ओरिजिनल गल्ला की जिस टाइम पर यू बनाया था उस टाइम की पेंटिंग है, और पेंटिंग इतनी जबरदस्त है कि कितनी बार पेंट कर ले उनके निशान नहीं जा रहे हैं, दिखे सही ये दिखा दे, आज भी निशान मौजूद है, ये निशान दे, वो 4 पेंटिंग थी वो कित गई है, अच्छा वो नीचे दिखे बाहर तो दिखा देंगे, और इस साइड से दिखा दे भाई ये पिलर देख लो आप, गोल इसकी गोलाई के डिजाइन देख लो, फिर ये बाहर आ गए, एक बार थोड़ा और लिकड़ के दिखा दिए आगे ना चाहिए थोड़ा, ये दिखा दे उड़ता, और उर्दू पे इसके नंबर लिख रखे भाई, उर्दू पढ़नी है कोई है को नहीं। हाँ यह दिखाई दी 3-3.5 फुट तो गहरी है, इसका पीछे फिर दीवार है, और पेंटिंग की जो आप बात कर रहे थे ओरिजिनल जो पहले की पेंटिंग है वो आज भी नहीं उखड़ी है, इतना मतलब मजबूत और इतना बढ़िया पेंट कराया गया, ये देख लो ये इसके ऊपर 2-3 कोट हो लिए पर वो आज भी न्यू का नहीं दिखा पुराना पेंट, ये देख लो आप इस साइड, और अंदर का फिर दिखावांगे तो दोनों साइड की सेम प्रोसीजर है न्यू, ये देखो भाई कितने चौड़े चौड़े पिलर और फिर ये और फिर बीच में यू और फिर वो सती आगे, यानी इसने मजबूती देने है तरह उस साइड डिजाइन की जो है आड़ी, और फिर दोनों साइड कमरे हो अगर दे दूसरी मंजिल पर फिलहाल आप हाँ तीसरी पर आपने दिखाओगे, और ये देख लो भाई पूरा तो फिर इस गाल में आरो पार दिखा है, ए दिखा दे भाई ये देख लो, बिल्कुल, और थोड़ा और पीछा है एक बार, ये तीसरी मंजिल बाबा फिलहाल चलाएंगे, वो है 3 पैड़ी के बाद फिर एक मोड़, यानी एक माटी में दबरी दूसरी तीसरी पर मखड़े हूँ फिर मोड़ आ गया, और उरा तो फिर यू आ गया बाहर लिकड़न है तो उतर दीख भी जावे हवा भी आवे, फिर 3 पैड़ी पर मोड़ आ गया, ये भी दिखाई दिए भाई तीसरी पकड़े हूँ फिर मोड़ आ गया, और खड़ी पैड़ी जरूर हाँ ऊपर फिर 3 के बाद मोड़ा हुआ 1, 2, 3 चौथी पर फिर मोड़ आ गया, और उर फिर 3 पैड़ी ना कौन टूटता नहीं कौन टूटता पत्थर है, चलो 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 ना ना पत्थर वो पैड़ी सही थी आज भाई आराम था ये आज तीसरी मंजिल पे फिलहाल आप आए गए हाँ आज आज आराम आराम था ये सुनो घुमाया कर दिखा दी और घुमा के दिखा दे बैठे थे भीतर गाड़े का दिखा दे पटकाला आड़े तो हाँ तीसरी पर फिलहाल आप आ गए हाँ बढ़िया हवा चलने लग रही है उरत है आप इसकी चौड़ाई देख सको हो एक बार सुनो अड़ते है ये देखो भाई जो मैं गहराई की बात कर रहे थे नीचे वो आली बनी रही थी ये देख लो कड़ा तक है और ये 1.5 फुट की तो या दीवार है फिर या रह गया लगता है 2.5 गया यानी 3-3, 4-4 फुट दीवार जो उन ओड़ों को बनाए रखी है और इस कोण पर तो फिर प्राण के दिखा दे भाई ये आड़े तक कितनी मतलब यह इसकी छत पर फिलहाल आप खड़े हाँ उरे तो आपने अंदाजा लग जाएगा कितना चौड़ा हर कितनी लंबी जगह में है और चौथी मंजिली जो आपने दिखाने लगी रहे बाकी कोशिश करांगे हमें एक बार ऊपर चढ़ के भी आपने दिखाने की यह है चौथी मंजिल और ये भी गल्ला की पैड़ी है भाई ये एक बार दिखाई दिए सुनू ये देख लो पत्थर में है और सारी की सारी गल्ला की पैड़ी है चलो हो गई है तो ना ना कोई बात नहीं करांगे कोशिश एक मिनट पत्थर पाटे जो ले भाई चौथी मंजिल पे पहुंच गया मैंने पकड़ा दी लिया मैं दिखा दूंगा एक मिनट ले भाई मैं चढ़ गया हूँ चौथी मंजिल पे
इस करकन इस दरवाजे ने ये कहने लग रहे हैं हरियाणा का सबसे ऊंचा और बड़ा दरवाजा उरत है। फिलहाल चौथी मंजिल पर मैं अपने चुगरदे के अगर सीन की बात करूँगा दिखाऊंगा तो ये देख लो टोटली गांव आपने दिखने लग रहा टोटली रोड तक ये यू हाईवे रोड है उस साइड आ गया ये ट्रक जान लग रहा भाई हाईवे रोड पर। ये देख लो पूरा का पूरा गांव उरत दिखने लग रहा है। और कितनी दूर का एरिया दिखा है धूप है और कुछ धुंध सी भी है मौसम साफ ना होने की वजह से। अगर मौसम साफ होता तो ये जरूर भाई बताऊं है कि खन को तो शाम की पहाड़ी आराम से देख सको। चौथी मंजिल पर फिलहाल आप खड़े हाँ और यू दरवाजे के आप कॉर्नर देख लो किस तरीके से कलाकारी करी गई और सारी छोटी ईंट भाई ये देख लो छोटी ईंटा में और चुनम है और कुछ बेली भी हैं अवेली जिसने आपा बोला पुरानी एक तो याद तोड़ रखी ये सभी टूट रही भाई आई होगी या दिखे जो बीच में मेरी साइड आई सुन थोड़ा या तोड़ रखी इसके मकान तो ठीक पर लगाने या है और एक और कौन सी थी एक और पीपल पर थोड़ा जूम कर वो दिखना था पीपल के नीचे थी फल आई थी 1995 में ये वेली टूटी थी। हाँ एक ही पुरानी हवेली आ रही कुणों के ऊपर यानी बहुत सारी काफ़ी पुराना गांव है और छोटी ईंटा के प्रमाण ये भी पड़े भाई यानी सारा का सारा जो है छोटी ईंटा का है। और सेम अगर डिजाइन की बात करा तो एक कमरा है यू है एक न्यू का न्यू परला का है दोनों साइड की सारी चीज़ जो है बिल्कुल सेम है। और दिखान का जो मेन मकसद था कि एक हरियाणवी जो प्राचीन विरासत है अगर ये कमाए किला टाइप में बहुत बड़ा दरवाज़ा बहुत पुराना दरवाज़ा तो इसमें कोई मतलब अतिशोक्ति नहीं होगी जिस तरीके से बताया। बाकी इस गांव में एक बुजुर्ग हैं दीपचंद पंडित दीपचंद पंडित जी जिनकी उम्र 100 साल है इस गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग उम्र के लिहाज से तो उनका दौरा भी जावांगे भाई वो के मतलब के उन्होंने सुनया है बड़े बुजुर्गों का कितना पुराना वो बताऊँगे। हालांकि गाम राम का कहना यह है कि 300 साल पुराना है पर के कुछ वो बतावेंगे मतलब वो जरूर आप ना बतावेंगे।